हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। हमारा आज का टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ। स्केलर मींस होता है कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू को हम स्केलर कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। इफ़ ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3, जिसमें दो रो हैं, 3 कॉलम्स हैं। फाइंड करना है हमें 3a। 3 एक नंबर है या कोई भी कांस्टेंट कह लीजिए या कोई स्केलर कह लीजिए इसे, और ए एक मैट्रिक्स है। ये 3 मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, ए के हर एक एलिमेंट के साथ। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है आपने। ये 3a इक्वल्स टू 3 एंड मैट्रिक्स लिखिए। अब हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कीजिए इस एलिमेंट के साथ, इस स्केलर के साथ। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 0 = 0, 3 × −2 − 6, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो ऐसे ही मेरे पास जो मैट्रिक्स आई है ये 3a मैट्रिक्स है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इफ बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3। फाइंड करना है −1/5b। −1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ। सॉल्यूशन देखिए, −1/5b आप लिखेंगे, देन बी की जगह रिप्लेस करेंगे उसकी मैट्रिक्स, −1/5 मैट्रिक्स लिखेंगे। अब जो ये एलिमेंट है, ये स्केलर है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके हर एक एलिमेंट के साथ। तो मल्टीप्लाई करके लिखिए 10 × −1/5, −5 × −1/5, 0 × −1/5, −15 × −1/5। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये डिवाइड हो रहे हैं, 10 के साथ 5 डिवाइड हो रहा है, तो ये कटने के बाद वी गेट 2, 5, 2 × 10, वी गेट 1। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 0 ही मिलेगा। −15 × −1/5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन 5 × 3 × 15। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स आया −1/5b वो है −2, क्योंकि यहाँ −1 है, तो −1 × 2 − 2, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया था, तो वी गेट 1। 0 माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, तो पॉजिटिव 3। तो ऐसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें। हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।